हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं 22 से 30 जून 2019 का प्री प्लस मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करंट अफेयर तैयार किए हैं, जिसमें आज हम करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। और इसका पीडीएफ, जब ये पूरे वीक का पीडीएफ, ये वीक का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो मैंने करंट अफेयर तैयार किए हैं, ये आप तो वन लाइनर तो हैं, जो कि आप प्रीपैक पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे, प्लस मेंस में भी आपको करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी हमने ध्यान में रखते हुए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, चाहे वो UPPSC का एग्ज़ाम हो, UPSC का एग्ज़ाम हो, MPPSC का एग्ज़ाम हो, BPSC का एग्ज़ाम हो, सब में डिस्क्रिप्टिव मेंस में लिखना पड़ता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आज लेकर आए हैं, जो कि हिंदी मीडियम में है, और इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड होगी। ये हमारी नई सीरीज शुरू हुई है, मैंने 22 से 30 जून तक का दिया है, और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करेंगे पूरे वीक का। उसके बाद हम लोग लगातार इसके करंट अफेयर लाएंगे, जिसमें खेल परिदृश्य, पुरस्कार, सम्मान, और कौन अपॉइंट हुआ है किसकी जगह, सब कुछ इसमें हम लोग कवर करेंगे। कोई भी चीज़ इसमें छूटेगी नहीं। और अगर आप लोगों ने ये कर लिया, तो मैं गारंटी देती हूँ कि इसके बाद आप लोगों को कोई भी करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी वीडियोस देखिए, और जब ये वीडियोस कंप्लीट हो जाए, तो इसके रिवीजन के लिए PDF को बार बार रिवाइज कीजिएगा डाउनलोड करके। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। बट पहले मैं आपको बता दूं कि जिन व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर मैं आपको लेकर आऊँगी इतनी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, चाहे वो सीटेट से रिलेटेड हो, UPPSC से रिलेटेड हो, करंट अफेयर से रिलेटेड हो, NVS का एग्ज़ाम आने वाला है उससे रिलेटेड हो, हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेकर आने वाले हैं। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, आपको वहाँ पर अपने काम की बहुत सारी वीडियोस ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे विश्व के समाचार। तो विश्व के समाचार में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला है यहाँ पर कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प कहाँ शुरू किया है। तो ये शुरू किया है ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है, जो क्षेत्र से गुजरने वाली भारतीय ध्वजवाहित जहाज़ों के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। भारतीय नौसेना जहाज INS चेन्नई और INS सुनैना को समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए क्षेत्र में तैनात किया गया है। इसके अलावा विमान द्वारा क्षेत्र में हवाई निगरानी भी की जा रही है। तो मेन इसमें क्वेश्चन आएगा कि ऑपरेशन संकल्प किन के बीच किया गया है, तो आप ये करेंगे भारत नौसेना ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में किया है ये ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट, नासा ने अपने पहले किस घनाकार एस्ट्रोबी रोबोट का खुलासा किया है, तो ये खुलासा किया है बम्बल रोबोट का। इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं। एस्ट्रोबी एक मुक्त अवस्था में उड़ने वाली रोबोट प्रणाली है, जिसे अंतरिक्ष यात्रियों को नियमित कार्य करने में लगने वाले समय को कम समय में सहायता हेतु डिजाइन किया गया है। इस प्रणाली में दो अन्य रोबोट हनी और क्वीन है, जो सॉफ्टवेयर और रिचार्जिंग के लिए उपयोग होने वाले डॉकिंग स्टेशन भी हैं। स्ट्रॉबी रोबोट अंतरिक्ष में किसी भी दिशा में जा सकते हैं और किसी भी अक्ष पर घूम सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है FATF, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, की पूर्ण सदस्य हासिल करने वाला पहला अरब देश कौन सा है, तो ये है सऊदी अरब, पहला अरब देश। सऊदी अरब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण सदस्यता हासिल करने वाला पहला अरब देश बन गया है। सऊदी अरब ने FATF सदस्य के रूप में शामिल होने के साथ अब समूह में स्थायी सदस्यों की संख्या टोटल 39 हो चुकी है, पहले 38 थी। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपना नया मुख्यालय कहाँ खोला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये खोला गया है स्विट्जरलैंड में। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं
तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में औपचारिक रूप से अपना नया मुख्यालय खोला है। ओलंपिक खेलों के पुनः शुरू होने के ठीक 125 वर्ष बाद ये खोला गया है। ओलंपिक हाउस पूर्व मुख्यालय के स्थान पर बनाया गया है और 95% पुरानी सामग्रियों को पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग यहाँ पर किया गया है। डेनमार्क की आर्किटेक्चर कंपनी 3XN द्वारा डिज़ाइन की गई ऊर्जा दक्ष इमारतों ने संवहनीयता के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पर इसमें जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात सांगठनिक अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध नियंत्रण कार्यालय द्वारा विकसित एक नया रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। यूएई की फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट ने नया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म GOAML लॉन्च किया है जो मई से पंजीकरण के लिए खुला है। बैंकों, बीमा कंपनियों और मुद्रा विनिमय केंद्रों सहित 900 से अधिक संस्थाओं को प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना होगा और इनमें से 50% पहले ही पंजीकृत हैं। और ये प्लेटफॉर्म से FIU को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन। G20 शिखर सम्मेलन जो 14वीं बैठक है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जापान में, जो कि ओशाका शहर है जापान में, वहाँ पर किया जा रहा है। और इसका जो थीम होगा वो होगा भविष्य का मानव केंद्रित समाज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आएगा। अब G20 की बात कर लेते हैं, तो ये 19 देशों और यूरोपीय संघ की सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। G20 देशों की यहाँ पर लिस्ट दी गई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब जो अगला G20 शिखर सम्मेलन होगा वो होगा सऊदी अरब में 2020 में। आगे हम बात करते हैं भारत किस महत्वपूर्ण, मतलब कि हम राष्ट्रीय समाचारों की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, श्री हरदीप सिंह पुरी जो कि नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं, कहाँ पर एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट के केंद्रीय नियंत्रण का केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। ये जो CATFM प्रणाली है, इसका मुख्य उद्देश्य कम क्षमता वाले प्रत्येक भारतीय हवाई अड्डे पर प्रमुख संस्थानों अर्थात हवाई अड्डे, हवाई क्षेत्र, विमान के सर्वोत्तम उपयोग की मांग के सामने क्षमता संतुलन पर ध्यान देना है। CATFM प्रणाली विभिन्न उपतंत्रों जैसे ATC ऑटोमेटेड सिस्टम, उड़ान संबंधी अपडेट, उड़ान अपडेशन के संदेशों, संबंधित उड़ान संबंधी जानकारी एकत्रित करती है। मतलब कि यहाँ पर जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी सिस्टम है, कैसे कौन सी फ्लाइट कब उड़ेगी कब आएगी, इसके बारे में जो भी एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट है, इसका नियंत्रण केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कब तक 713 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना ये करेगी? तो ये करेगी 2022 तक। इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने किसान समुदाय के बीच प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए देश में जिला स्तर पर 713 कृषि विज्ञान केंद्रों और 684 कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों की स्थापना की है। इस उद्देश्य के लिए एक अंतर मंत्री स्तरीय समिति ने कृषि गतिविधियों के परिवर्तन में आधुनिकीकरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग की सिफारिश भी की है। क्वेश्चन नंबर 3, IAF की बालाकोट एयर स्ट्राइक का नाम क्या है? तो इसका नाम था ऑपरेशन बंदर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इंडियन एयरफोर्स की जो बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी उसका नाम था ऑपरेशन बंदर। 26 फरवरी को कई एयरबेस से उड़ान भरते हुए 12 मिराज विमानों ने पाकिस्तान वायु क्षेत्र को पार किया और खैबर पख्तूनवा प्रांत के बालाकोट शहर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए, मिसाइल से हमले किए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उस टाइम की। तो इसमें वायुसेना द्वारा किए गए हमलों में पायलटों ने 5 स्पाइस 2000 बम गिराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाजपा सांसद और सर्वोच्च न्यायालय की वकील मीनाक्षी लेखी द्वारा लिखित प्रथम
उपन्यास कौन सा है? तो द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी ये उपन्यास है। इसका जो सह लेखन है वो कृष्णा कुमार द्वारा किया गया है और ये जो पुस्तक है ये हार्पर कालिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। मीनाक्षी जो लेखी है वो दक्षिण दिल्ली से लोकसभा सदस्य हैं और सर्वोच्च न्यायालय की एक वकील भी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार के सभी ग्राम पंचायतों को किस योजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना दी गई है? तो भारत नेट योजना के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी तक 1,28,870 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। भारत नेट के अंतर्गत देश में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है और भारत नेट एक राष्ट्रीय महत्व की योजना है जिसका उद्देश्य था वर्ष 2017 तक राज्य और निजी क्षेत्र में साझेदारी में सभी घरों के लिए मांगने पर बिना भेदभाव के सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मतलब कि इंटरनेट से जोड़ना और इसकी सेवा हेतु मापनीय नेटवर्क संरचना उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्देशीय और तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए कहाँ पर MOA पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये IIT खड़गपुर में हस्ताक्षर किए गए हैं। जहाजरानी मंत्रालय और खड़गपुर IIT खड़गपुर ने हस्ताक्षर किए हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये केंद्र जो डिज़ाइनिंग निर्माण और प्रशिक्षण के लिए स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा और ये वर्तमान में केवल जर्मनी नीदरलैंड रूस और बेल्जियम से जहाज़ों के मॉडल परीक्षण की सुविधा यहाँ प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की 32वीं कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है हैदराबाद में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि बीज परीक्षण संघ की कांग्रेस 32वीं कहाँ आयोजित हुई है, तो ये हुई है हैदराबाद में। यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने हैदराबाद में ये की है और ये 32वीं कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन किया है। यहाँ पर यह देख सकते हैं किन किन कंपनियों ने यहाँ भाग लिया है और ये जो बीज की कांग्रेस की पहली दक्षिण एशिया में ये आयोजित की जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस जो है पहली बार दक्षिण एशिया में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने स्वदेश रूप से विकसित किस परमाणु क्षमता युक्त मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 से एक मोबाइल लॉन्चर से किया गया है और इसके बारे में जो पृथ्वी 2 के बारे में, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, मारक क्षमता इसकी 350 है। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। ये मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम का विस्फोटक ले जाने में सफल है और इसका पहले भी 21 फरवरी को परीक्षण किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार ने किसकी वर्तमान श्रृंखला में संशोधन हेतु एक कार्यकारी दल का गठन किया है? तो थोक मूल्य सूचकांक की जो श्रृंखला अभी चल रही है उसके संशोधन उसमें करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया है। तो इसके जो अध्यक्ष होंगे प्रोफेसर रमेश चंद, इस 18 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रोफेसर रमेश चंद नीति आयोग के सदस्य भी हैं। ये 2011 और 12 आधार वर्षों के साथ थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला जो मई 2017 में पेश की गई थी और 2011-12 से अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा संरचनात्मक परिवर्तन किए गए हैं। इसरो के द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम क्या है? तो ये है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है। यह अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसंधान विकास कार्यों, PSLV के सह उत्पादन और SSLV के माध्यम से उपग्रहों के प्रक्षेपण का व्यावसायिक उपयोग करेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
और ये NSIL के कार्यों में उद्योगों के लिए लघु उपग्रह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का निर्माण जैसे कार्य भी इसमें शामिल होंगे। बहुत इसमें जो भी दिया हुआ है आप यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। बहुत ही कुछ ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। यहाँ पर FSSAI द्वारा प्रस्तावित मसौदे के नियमानुसार पैकेज फूड कंपनियों को उच्च वसा, चीनी और नमक युक्त सामग्री के पैकेज के सामने की तरफ क्या लगाना होगा, तो यहाँ लगाना होगा एक लाल रंग का लेबल लगाना होगा। इसका जो उद्देश्य होगा नए लेबल के पीछे कि नागरिकों को खाद्य उत्पाद के संगठनों के बारे में अत्यधिक जानकारी प्रदान करना। अब ये FSSAI की फुल फॉर्म होती है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। इसका जो मसौदा है वो इसकी घोषणा के 30 दिन के अंदर हितकारियों के सुझाव और आपत्तियां यहाँ मांगी गई हैं प्राधिकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अब तक कितने घरों को मंजूरी दी गई है, तो ये मंजूरी दी गई है 81,03,196 घरों को मंजूरी दी गई है। अब आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, इसका इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो मंजूरी दी गई है, ये जो आप इसका मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी और अब इसमें 81,03,196 घरों को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 आज का लास्ट क्वेश्चन, इसकी बात कर लेते हैं कि किस रेलवे जोन को 58 रेलवे स्टेशनों में यात्रियों के लिए निशुल्क वाईफाई प्रदान किया गया है, तो उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे ने यात्रियों को निशुल्क वाईफाई प्रदान किया है। ये 18 जोनों में से एक है, टोटल 18 जोन है हमारे इंडिया में रेलवे के, जिसका इसका मुख्यालय जो उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे है इसका मुख्यालय है गुवाहाटी के मालीगांव में, मुख्यालय गुवाहाटी के मालीगांव में है। यहाँ पर भारत में 1600 स्टेशनों में वाईफाई युक्त स्टेशनों पर यूज़र लॉगिन की कुल संख्या 2.35 करोड़ थी। डिजिटल इंडिया की पहल से प्रेरित होकर भारतीय रेलवे ने रेलटेल्स ने स्टेशनों पर निःशुल्क वाईफाई सार्वजनिक जो सेवा है उसको प्रदान करने के लिए डिजिटल समावेशन प्लेटफॉर्म में बदलने की योजना बनाई है। तो आज ख़त्म होते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की न्यूज़। होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, तो आगे इसी की श्रृंखला में हम आगे इसका पार्ट्स लेकर आएंगे और फिर जब जुलाई चल रहा है तो जुलाई से हम लोग कंटिन्यू करेंगे पूरी वीकली न्यूज़ को। आगे मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं पूरे साल भर की न्यूज़ लेकर आने वाली हूँ यहाँ पर, जो कि आपके पूरे एग्ज़ाम में, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होगा वो पूरे ईयर की करंट अफेयर्स पूछता है, तो मैं पूरा ईयर्स का 2018 से 2000 अब तक 2019 का पूरा साल का करंट अफेयर्स MCQ के फॉर्म में आपके सामने लेकर आऊँगी, ताकि आप पूरे अच्छे से उसकी तैयारी कर सकें। तो आज के लिए बस इतना है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।